सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा मैंने तुमसे गणपति का पेंडेंट मांगा तूने अपने सोने के कंगन उतार के अपनी माँ को दिए मैंने हार मांगा तो ये नाटक किया कहीं ऐसा ना हो आपकी बेटी पति को मुट्ठी में रखने का सपना देखते देखते अपने पति से ही हाथ धो बैठे इसने तेरे पैसे से सोने का हार बनवाया मेरे हाथ में थमा दिया ये बोल के कि हर उसके आई ने बनाया है अर्चना ने नहीं कहा था सोने का हार बनाने को ये फैसला मेरा था और हमसे बात छुपाने का भी फैसला मेरा था हाय तुम मैं तो बस ये चाहता था कि किसी को तकलीफ ना हो बिना तकलीफ के अगर अगर ये मामला सुलझ जाता तो अच्छा है ना अच्छा तो उन लोगों के तकलीफ की तुझे फिक्र है और आज तेरी आई को जो तकलीफ हो रही उसके बारे में तुझे कुछ नहीं लगता ये क्या जिस बेटे ने आज तक मेरे से झूठ कभी बोला नहीं उसने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई अरे मुझे बुरा नहीं लगा होगा लेकिन तुझे क्या रे आई को भला लगे या बुरा लगे तुझे अभी तो तेरी बीवी के मायके वाले अच्छे लगने लगे हैं। तेरी आई है तो अच्छा तेरी आई ना है तो और ज्यादा अच्छा आई आई ये क्या बोल रहे चाली की औरतें बोलती थी जब बेटे की शादी होती है तो बेटे रंग बदलते हैं मैं कहती थी नहीं मेरा मानव उसमें से नहीं है लेकिन बेटा तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया ले, ले, ये पैसे रख तेरे पास तूने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई 10 दिन नहीं हुए शादी को अपनी बीवी का बनकर रह गया ये पैसे रख दे दे अपनी बीवी को और बोल उसको घर चलाने के लिए अरे वो आई है अभी मेरी क्या जरूरत है ना कल उठ के तेरी बीवी ये ना कहे मेरा पति कमाता है तू उड़ाती है जरूरत नहीं है तेरे पैसे की तुम रहो राजा रानी की तरह हाँ हम पड़ेंगे कोने में भूखे अगर खाने मिला तो खाएंगे नहीं तो भूखे सो जाएंगे ये सब क्या हो रहा है सब ये भी कोई बात करने का तरीका है हुआ क्या है दादा इतने दिनों में हमारे घर में जो नहीं हुआ वो आज हुआ है आज मानव ने मुझसे झूठ बोला आप जिस बहू के गुण गाते हो उसने देखो क्या गुल खिलाए 10 दिनों में मैंने अर्चना की आई से हार मांगा था वो उसने मानव के पैसे से खरीदवाया और मेरे हाथ में थमा दिया एक मिनट सविता पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अर्चना के आई से हार मांगा ही क्यों मैंने कहा मांगा था उन्होंने अपनी बेटी को शादी में दिए थे जेवरात
उसमें से एक हार नकली था। ये बात मैंने जाके सुलोचना थाई से बताई। उन्होंने बोला मैं वापस करूंगी आपको सोने का हार। तो मैं बोली ठीक है, और क्या बोलती ना, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और दामाद से मुझे झूठ बुलवा कर मुझे और मेरे बेटे में दूरियां पैदा कर दी। जो कुछ भी किया है वो सही किया है। वो अपने ससुराल वालों पर कोई बोझ आने नहीं देना चाहता था, ना ही अर्चना पर कोई आ चाहे वो देख सकता था। इसलिए उसने हार खरीद कर उसकी मदद ही की है और पति होने का अपना फर्ज निभाया है। यहाँ हर कोई अपना फर्ज निभा रहा है, हर कोई सही है, गलत है तो सिर्फ सविता। अर्चना की गलतियां देखकर मैंने चार बातें क्या सुनाई, मैं बुरी हो गई। मानव का झूठ बोलना सही है, लेकिन मैंने चार बातें सुनाई और दोष की धनी मैं बन गई। अब कुछ नहीं रहा मेरा इस घर में, मैं बोझ बन गई हूँ सब के लिए। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। करे कोई भरे कोई, पापा अच्छा न्याय है तुम्हारा। मेरी बात तो सुनाई, मुझे नहीं रहना इस घर में, नहीं रहना है। बहुत बड़ी गलती हो गई काका, सबको कितना दुख पहुंचाया मैंने। तू उसकी चिंता मत कर मानो। अरे सविता को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बस आज की रात जाने दे, कल सुबह वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये देख, अभी अर्चना को तेरी जरूरत है, जा उसे समझा। अरे वो नहीं आई है अपने घर में, और ऊपर से ये सब, तू अर्चना को समझा। कम इन। फाइल। हाँ रख दो। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? नहीं सर, वो सर एक्चुअली कल रात मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ, सर I am really sorry for that. बैठो, sit. Thank you, sir. वर्षा, कल रात को जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर मैंने अक्सर ये देखा है तुम्हारी उम्र की ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। वो क्या हैं, कैसी हैं, क्या कर सकती हैं, ये उनकी माता पिता से बेहतर उनके ऑफिस के कलीग्स जानते हैं। उनकी काबिलियत को ये ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, पहचानते हैं। Isn't it but obvious? दिन का ज्यादातर वक्त आप उन्हीं के संग तो बिताते हैं, अपनी सोच, अपने थॉट्स, सब कुछ उनके संग शेयर करते हैं। माँ बाप के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेक्शन भी आपका ऑफिस के कलीग्स के साथ ही होता है। और सबसे अहम बात जो है, कलीग्स जो हैं वो आप जैसी हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करते हैं। जानते हो वर्षा, मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। वो चाहते थे कि मैं आईटी से इंजीनियरिंग करूं, मगर मेरा इंटरेस्ट कभी भी उस फील्ड में रहा ही नहीं। मैं हमेशा से बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहता था और मैंने वही किया। उस वक्त तो मुझसे नाराज जरूर हुए, पर आज जब मुझे अपनी फील्ड में इतना कामयाब देखते हैं तो मुझ पे गर्व महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि
माँ बाप हमेशा गलत होते हैं, मगर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक सपना फिर होते हैं, और वो उस सपने के आगे कभी देख नहीं पाते। शायद इसीलिए उन्हें बच्चों की चुनी हुई राह गलत लग सकती है। ओके, मैं कल रात की बात को भूल चुका हूं। मैं ना तो तुमसे नाराज हूं और ना ही तुम्हारी आई से, क्योंकि तुम्हारी आई का देखने का भी एक नजरिया है, एंड आई रेस्पेक्ट दैट। और उसी नजरिए से उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है, लेकिन यह बात अलग है कि शायद तुम्हें वो दुनिया छोटी लगती है, क्योंकि दिन पर दिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी दुनिया बदलती जा रही है और तुम्हारी आई के दायरों को तोड़ती जा रही है। हो सकता है आज उन्हें ये गलत लगता है, पर कल उन्हें तुम पे गर्व होगा, एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। अब आप जाए अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें। सब मेरी वजह से हुआ है, आप सही थे। अगर उस दिन हम आई से सच बोलते तो आज ये नौबत नहीं आती। कितना बुरा लगा होगा ना आपको, गलती मैंने की और सजा आपको मिली। एक महीना नहीं हुआ आपका इस घर में आए हुए और इतना बड़ा अपमान। अर्चना जी, मैं सच कहता हूं, मैं समझाने की कोशिश, अपनों के बीच कभी कोई मान अपमान नहीं होता। घर के बड़े अगर हक से डांटते हैं तो क्या हम बुरा मान जाते हैं? आपको पता है, घर पे मेरी आई बात बात पर मुझे डांटा करती थी, उसी तरह जिस तरह आज आई ने मुझे डांटा। मेरी आंखों के सामने आई और वहीनी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते थे। वर्षा की तो कभी आई से बनी ही नहीं। कसं असतं ना, घर म्हटल्यावर भांड्याला भांडी लागणारच। हर घर की यही कहानी है। बस हमें इतना ख्याल रखना है कि इस बात को अपनी तरफ से कोई बढ़ावा ना मिले। मतलब? वादा कीजिए आप मुझसे, आज के बाद आई मुझसे कुछ भी कहेंगी लेकिन आप शांत रहेंगे, आप किसी भी चीज को लेकर सफाई नहीं देंगे। लेकिन मैं, देखिए बात से बात पड़ती है और फिर आप ही को तकलीफ होती है, और अगर आपको तकलीफ होती है तो मुझे भी। आपको क्या? मुझे भी तकलीफ होती है। Thank you.
कल वाली बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। उसे जितना भुलाने की कोशिश करता हूं उतना ही मेरा दिमाग खा रही है। पता नहीं अर्चु कैसे रहती होगी ऐसे सास के साथ जिसे बोलचाल का कोई तरीका नहीं है। कल इतने सारे मेहमान आए हुए थे उनके सामने पता नहीं क्या क्या सुनाकर चली गई। सच कहता हूं मंजू, एक बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। सिर्फ अर्चना के बारे में सोचकर वो सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। हमें किसी भी तरह से जल्दी वो हार उनके पास तो पहुंचाना होगा, नहीं तो पता नहीं कल को वो क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। विनोद, विनोद, लेकिन इतने सारे पैसे कैसे? मेरा मतलब है अभी तक तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं आई है और तुम अपने पीएफ के अगेंस्ट लोन भी नहीं ले सकते हो क्योंकि अभी अभी तो तुमने अर्जुन की शादी के लिए लोन उठाया था और मेरी सेविंग्स वो सब तो मैंने पुणे की एफडी में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो फिर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी उस एक गलती की वजह से हमें और अर्चना को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैशु मेरी चाय दे। हाँ दादा लाई। तैयार हो गए फिनो? हाँ बाबा। दादा आपकी चाय। ला बेटा। बाबा आपकी चाय लो। हाँ बेटा, थैंक यू। आई आई आपकी चाय यहाँ पर रखी है। विनोद बेटा ये ले पैसे। आई इतने पैसे? लेकिन आई इतने पैसे आए कहाँ से? वर्षा की एफडी तोड़ दी मैंने। लेकिन आई ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता। 10-15 दिनों में मेरी सैलरी आने वाली थी, उसमें से तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर सविता जी को सिर्फ सोने का हार नहीं, सोने का पेंडेंट भी तो देना है। ये सारी चीजें खरीदना तेरी सैलरी में मुमकिन नहीं है ना? फिर वो कंगन भी उन्हें वापस चाहिए जो तुमने अर्चू को दिए थे। सविता जी ने मुझे उसकी भी याद दिलाई थी। देखिए, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वैशाली की एफडी मैच्योर नहीं हुई थी इसलिए वर्षा की एफडी तोड़नी पड़ी। मैं जानती हूं कि वर्षा की शादी का सही समय आ गया है और हमें पैसों की जरूरत होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपको याद है ना, मेरी माँ ने गांव में एक छोटा सा मकान मेरे नाम पर रखा है। वो बेचकर बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी रकम आ जाएगी। हम उसी से वर्षा की एफडी दोबारा बनवाएंगे। सुलोचना, लेकिन ये सब क्या? अहो, मैं अब अर्चू के बारे में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। सविता जी का स्वभाव जानते हुए हम पैसे इकट्ठे होने की राह कब तक देखते? पता नहीं मेरी अर्चू पर क्या गुजर रही होगी। अरे वंदु छोड़ी सब, ये तो क्या कर रही है? जा तू अपनी पढ़ाई कर, चल जा। वहिनी, कल तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब ये कि कल तुम्हें आई इतना कुछ सुना रही थी और तुम चुपचाप खड़ी सुनती रही, तुम्हें कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मैं और क्या कहती आई को? अरे बाबा, तुम्हें तो आई को एकदम करारा मस्त जवाब देना चाहिए था, तब मजा आता। आई चैन से सो ही नहीं पाती, रात भर ना करवटें बदलती रहती। लेकिन तुमने तो ना आसानी से आई को जीतने दिया। तुम्हें पता है, रात भर आई खराटे मारकर सोती रही और रात भर मेरी नींद खराब रही। भैनी, अगली बार कभी ऐसा मौका हो ना तो प्लीज कोशिश करना कि आई किसी तरीके से भी ना जीते और तुम जीत जाओ, ताकि आई को खुशी ना मिले और कम से कम एक दिन, बस एक दिन तो मैं चैन की नींद सो पाऊं, वो भी बिना खराटों की आवाज के। वहिनी, तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसी हंसी रहा करो। कल तुम इतनी गुमसुम थी ना,
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कल जो भी हुआ आई की बात को बुरा मत मानना। उनकी तो आदत है हर किसी से झगड़ा करने की। तुम्हें पता है आई खाना खाए बिना रह सकती है लेकिन झगड़ा किए बिना नो चांस। चौल में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिससे आई का झगड़ा ना हुआ। बस एक मामा जी है जिससे कभी झगड़ा नहीं होता आई का। वो क्या है ना, आई की बात सुन नहीं सकते, फिर झगड़ा कैसे करेंगे। दादा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आई आई बहनी के दादा और बहनी आई है। बहनी कैसे हुआ? और पुन्नी कैसी है? पुन्नी भी अच्छी है। नमस्ते। आप इतनी सुबह सुबह? जी हार लेकर आए थे। हार लाए? अच्छा है अब सुबह आ गए। दिन की शुरुआत अच्छे काम से ही होनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत ही जल्दी कर दी हार लौटाने में। मैंने कल आके आपके घर में जो बात की आपको बुरी लगी क्या? माफी चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, हूँ ना मुंहपट, जो बर्दाश्त नहीं होता तुरंत बोल देती हूँ। हाँ थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, ऐसे में बहुत साफ मन की हूँ लेकिन मेरे जुबान में जो मिठास है ना अर्चू, मेरे बच्चों से पूछिए ना। ठीक ठीक क्या बैठी? पलंग ठीक कर, पलंग ठीक कर। बैठना नहीं क्या उनको? आइए मंजुषा चल। हाँ, 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 बैठो बैठो बैठो। आपने दिया है तो देख ही लेती हूँ। वाह बहुत सुंदर है। अरे लेकिन मैंने इसके साथ में एक गणपति का पेंडेंट बोला था। जी हाँ वो भी लेकर आए। अरे वाह मुझे लगा भूलने वालों में से तो नहीं है। और जो कंगन अर्जुन ने आई को दिए थे वो भी वापस करने आए। अरे वो भी लाए? जय हो लक्ष्मी मैया। कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सविता जी हाँ आपसे बस एक विनती है, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उस बात को लेकर आप अर्चू से नाराज मत होइएगा। अरे हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अरे अर्चू मेरी दूसरी बेटी है, एक ये और ये के। अभी देखो घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही है, हम इसे ध्यान में रखते हैं क्या? वंदु जाके नाश्ता पानी लेके आ, वो भी बोलना पड़ेगा क्या? जी नहीं जी नहीं फिर कभी। आप पहली दफा मेरे घर पे आए, बैठो ना कुछ। नहीं, नहीं, नहीं। आज हम दोनों को ऑफिस जाना है, थोड़ी देर हो रही है। मैं देरी नहीं करूंगी। ले बेटा अर्चू ये जाके रख दे। तुझे पता है ना कहाँ रखना है? मंजुषा फिर से आना मिलने के लिए, अच्छा लगेगा। और साथ में ऐसे ही कुछ लाते रहना। 100 कमीने मरे होंगे तब इसका जन्म हुआ होगा। देवा देवा कमीनेपन की सारी हदें पार कर चुकी है बुढ़ी। नमस्ते। देख मैं रख देती हूँ।
आई मेरे प्यार के खातिर कितना कुछ किए जा रही है तू। घर की जरूरतें पूरी करते करते तू थक जाती है और ऊपर से ये सब कहां से पैसे जुटाए होंगे तूने? आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार।